नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। TTSTT उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोप गुट की ओर से आज तीसरे दिन भी अनिश्चितकालीन अनशन जारी है। हालांकि अनशनकारी शिक्षकों सुदर्शन यदुवंशी और अमीन सादिक की हालत अब बिगड़ती जा रही है, लेकिन उनकी सुधि लेने अब तक कोई नहीं पहुंचा है। ऐसा लगता है मानो जिला शिक्षा कार्यालय के पदाधिकारियों ने अनशनकारियों को भूखों मरने छोड़ दिया है। अनशनकारियों और उनकी मांगों की अनदेखी के खिलाफ शिक्षकों में तीखा आक्रोश है। आक्रोशित टीटी शिक्षकों ने जिला शिक्षा कार्यालय के समक्ष शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका और सरकार और अफसरों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 70,000 NIS से प्रशिक्षित वैसे शिक्षक जिनके प्रशिक्षण की व्यवस्था सरकार को करनी थी और उनके परीक्षा फल का प्रकाशन 31 मार्च 2019 के बाद हुआ। इसके लिए वो प्रशिक्षण संस्थाएं जवाब दे थी, सरकार का विभाग जवाब दे था। आज अताउर रहमान मामले में जो न्यायाधीश आया उसकी गलत व्याख्या करते हुए जहाँ पर रिपोर्ट मंगानी थी वैसे शिक्षक कितने हैं और उसके बदले में पूरे राज्य के जिला शिक्षा कार्यालय से आदेश रोज नए निकलते चले जा रहे हैं जिनमें उनको प्रशिक्षण की तिथि 2019 से ही नवनियुक्त मानते हुए वेतन में कटौती की जा रही है। 15% वेतन वृद्धि का लाभ जो 2 वर्षों से हम लोगों का लंबित बकाया वेतन था उनका भुगतान रोका जा रहा है। इसी के खिलाफ राज्य संघ के आह्वान पर हम लोग 2 मार्च से लगातार हमारे 2 साथी यहाँ पर जिला मुख्यालय में अनशन पर बैठे हुए हैं और हमारे पदाधिकारी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी अभी तक वार्ता की पहल नहीं कर रहे हैं, हमारी सुधि नहीं ले रहे हैं। इसके खिलाफ हम बिहार के अकर्मण्य शिक्षा मंत्री का पुतला दहन करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष मौजूद हुए। वी टाइम न्यूज के लिए बिहार बेगूसराय से नबी आलम की रिपोर्ट।